नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनके काम कुछ खास मैच हो नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने देश की माओं के साथ एक वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने बच्चों को मेरे पास सौंप सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जबकि रविदास मामले में 96 बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल चुके चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह का बयान देते हुए सभी माओं को दिलासा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वो सीधा सीधे अपनी देश की माओं से कुर्बानी मांग रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में पूरा समय संविधान को बनाने और समाज को ऊपर लाने में लगा दिया, लेकिन कभी उन्होंने किसी से भी या किसी से भी बलिदान की बात नहीं की। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, लेकिन अपनी मर्जी से। उन्होंने कभी नहीं किसी से कहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दें। उन्होंने वो धर्म अपनी मर्जी और अपने साथ हुए अत्याचारों के विरोध में उसको छोड़ा। साथ उन्होंने जिस धर्म को अपनाया है वो एक बौद्ध धर्म है। उसे बौद्ध धर्म भी कहना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि वह बौद्ध धर्म नहीं, धम्म है। धम्म की शुरुआत क्या होती है कि इंसान को इंसान के समान समझना, जो कि हिंदू धर्म में कभी नहीं माना जाता। बाबा साहब ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है। उन्होंने कभी अपने परिवार को ठीक से वक्त नहीं दिया होगा जितना वक्त उन्होंने अपना सारा जीवन समाज को बनाने में और समाज को उभर के लाने में लगा दिया। बाबा साहब की इसी तरह की कुर्बानियों की वजह से आज उनका नाम ना सिर्फ दलित समाज के बल्कि ब्राह्मण समाज के लोगों में भी सबसे ज्यादा जाना जाता है। बाबा साहब ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो अब उस राह से भटकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में कई जगह काम भी किए हैं, कई जगहों पे उनकी हालत भी खराब हुई है और कई जगहों पे वो आईसीयू में भर्ती भी नजर आए हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अब कुर्बानी देना नहीं चाहते। वो बस अपने आप को एक अच्छा लीडर और एक अच्छा नेता साबित करने में लग गए हैं और दूसरों से कुर्बानी मांग रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।